यादगार हो गई सर। क्या रवाना हो रही है? सर, आज आलमबाग बस टर्मिनल से पहली जनकपुरी के लिए इंडो नेपाल बस चलाई गई है, क्या इसकी सुविधा होंगी, कितने सवारी आज गए हैं, क्या है पूरा सब? आज पहली बार जो जनकपुर तक हमारी बस शुरू हुई है, वातानुकूलित सेवा है ये, हमारी दुबई थ्री की सेवा है जो सस्ती वातानुकूलित सेवा है, और ये अभी 2 बजे चलकर सुबह 6 बजे पहुँचेगी जनकपुर, पुनः जनकपुर से 12 बजे चल के सुबह 4 बजे लखनऊ वापस आएगी। ये यहाँ से जाने में अभी अयोध्या जाएगी, अयोध्या में आधे घंटे का हॉल्ट करके फिर अयोध्या से जनकपुर। बेसिकली इसका उद्देश्य अयोध्या से जनकपुर को जोड़ने का था, जो भारत सरकार के और नेपाल सरकार के आपस में समझौता हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन और रिसीव किया था, उसको स्वागत किया था, उसी कड़ी में इसका परमिट अभी काउंटर साइन होकर नेपाल से आ गया है हमारे पास, तो हम लोगों ने आज से संचालन किया। कुल कितनी सवारी आज लेके गई है ये बस? आज 11 यात्री गए हैं, जिसमें 1 यात्री सीधे जनकपुर के हैं। सर, क्या किराया है और कितनी बसें चलाई गई हैं इस रूट पर अभी तक? एक सेवा है, मतलब दोनों तरफ से एक एक सेवा है अभी, और इसका किराया जनकपुर तक का 928 रुपये है लखनऊ से, और अयोध्या से 696 रुपये है। क्या क्या सुविधा है? आगे कितनी बसें और बढ़ाई जाएंगी ये डिपेंड करता है, अभी तो एक बस का ही समझौता हुआ है भारत सरकार और नेपाल सरकार में, अभी एक ही बस का समझौता हुआ तो अभी तो एक ही बस चलेगी। यहाँ से कितने बजे निकलेगी और कितने बजे वापस आएगी? 2 बजे चलेगी यहाँ से और सुबह 4 बजे वापस आएगी। जा रहे हैं? मैं सॉरी गोरखपुर जा रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि फ्यूचर में मैं अपने माता पिता को पता जनकपुर ले जा सकता हूँ। अभी तक ये था कि हम सरकारी अयोध्या तक से मिलते हैं, नेपाल जाने के लिए हमको 2 बार सोचना पड़ता था। अच्छा जी, बार बार हमको बस चेंज करनी पड़ेगी, बट ये डायरेक्ट बस हो गई है, शीघ्र से शीघ्र अपने माता पिता को जनकपुर ले जाना चाहूँगा। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? जनकपुर। अच्छा, तो कैसा लग रहा है इस बस का जो आज? बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ये क्या क्या सुविधाएं आपको लगी एक्स्ट्रा यहाँ पर? सर, एक तो बस बहुत कम्फर्ट है, ये डायरेक्ट वहाँ जाएगी, इससे पहले नहीं जाते आती थी डायरेक्ट। अच्छा अच्छा, तो हम लोगों को कुछ न पूछना है न बदलना है, बस कल ही इन्हीं के साथ चलना है।